सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम सीटेट के लिए जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का अपना अगला चैप्टर करने जा रहे हैं वो है मैप्स, यानी मानचित्र के बारे में हम करेंगे। ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। कुछ मैप्स के टाइप्स के बारे में बताया है, उसका मीनिंग बताया है, देन उसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। वहां से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रीड किए, तो इसमें इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से आते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो नीचे कुछ कंपोनेंट्स लिखे गए हैं उनमें से जो हमारा मैप का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, वैसे टिक करना है, या फिर अलग ही कुछ वहां कंपोनेंट दे रखे होंगे तो उनमें से पूछा होगा कि इसमें मैप का कौन सा एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से कंपोनेंट से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, आसान सा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना जो चैप्टर है मैप्स, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं मानचित्र। तो आप सभी ने मैप देखे होंगे, ठीक है। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो अगर आप यहाँ जाओगे तो जगह जगह पे जो है वो पूरे चंडीगढ़ के ऐसे छोटे से मैप लगे हुए होते हैं, तो वहां से आप किसी भी जगह का वो देख सकते हो। वर्ल्ड मैप होते हैं जिसमें कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं, सारी कंट्रीज दिखाई जाती है। इंडिया का मैप है जिसमें हमारे स्पेशली इंडिया के बारे में दिखाया गया होता है। तो अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझे कि मैप होता क्या है। मैप क्या होता है, पृथ्वी के एक बहुत बड़े किसी भी हिस्से को, किसी पार्ट को, या पूरे पृथ्वी का जो सरफेस है उसको छोटे से मतलब एक कागज पे या किसी पे किसी कागज पे किसी भी दीवार पे मतलब ड्रॉ करके दिखाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया है ना, इंडिया कितना बड़ा है, काफी ज्यादा उसका सरफेस है ना, बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ना। तो उतने बड़े एरिया को हमने इतना छोटा सा इंडिया का मैप भी खरीदा होगा, है ना। तो इतने बड़े एरिया को छोटे से कागज पर ड्रॉ करके बता दिया गया है, इसे ही मैप कहते हैं। कभी कभी आपने अभी स्कूल वगैरह में भी देखा होगा, दीवार पे भी पूरे इस तरह से मैप बने होते हैं, कहीं वर्ल्ड मैप बना होता है ऐसे दीवार पे बना होगा। तो जरूरी नहीं है कि तो आपको कागज भी मिले, मतलब कहने का मतलब ये मैप का जो मीनिंग है वो इतना है कि बहुत बड़े एक एरिया को, क्षेत्रफल को छोटे से किसी चीज पर जो है वो शो करना, ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिए कि इंडिया इतना बड़ा जो है उसका एरिया है, बट हम छोटे से उसको कागज के टुकड़े पे भी देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप को भी छोटे से कागज को टुकड़े पे देख सकते हैं, बुक्स में भी मैप्स जो है वो लगे हुए होते हैं। तो मीनिंग ये है, ठीक है, कि बहुत बड़े एरिया को छोटे सी स्केल पे दिखाना, ये होता है उसका, हमारा मैप का मीनिंग, ठीक है। तो अभी मैप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे ग्लोब था, है ना, ग्लोब आपको पता है, ग्लोब से हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स की जानकारी मिल जाती है, जो हमारे ओशियंस हैं उनकी जानकारी मिल जाती है, पर ग्लोब पर किसी छोटी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करना और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अभी जैसे ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब पे मैंने देखना है कि इंडिया कहाँ है, वो तो शो हो जाएगा इंडिया का। अगर मुझे देखना है इंडिया का और छोटा कि इंडिया में राजस्थान कहाँ है, इंडिया में चंडीगढ़ कहाँ है, तो मैं वो ग्लोब पे नहीं देख सकती हूँ। तो इसीलिए मैप्स बनाए गए हैं ताकि और जो भी छोटे छोटे एरियाज हैं और डिटेल में देखने के लिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम जो है वो मैप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हम लोग टाइप की बात करेंगे, ठीक है। मीनिंग तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि बहुत बड़े एरिया को छोटे से स्केल पे शो करना मैप होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया। अब हम लोग करेंगे टाइप्स, ठीक है। यहाँ मेरे लिए कुछ टाइप्स बताए गए हैं मैप्स के, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर फिजिकल मैप, ठीक है। फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप होते हैं जैसे जो हमारे नेचुरल फीचर्स है ना अर्थ के, यानी हमारी पृथ्वी के जो प्राकृतिक कुछ विशेषताएं हैं उनको फिजिकल मैप पे दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है ओशियन हो गए, है ना, मतलब महासागर हो जाएंगे, ठीक है। सीज की बात हम लोग कर सकते हैं, माउंटेन्स की बात हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, आपको पता है ये ह्यूमन मेड तो नहीं है, ओशियन या सीज या माउंटेन नेचुरल चीजें हैं ये, जैसे रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सबको, इनका भी जो मैप होता है ना उसे फिजिकल मैप कहते हैं। कहने का मतलब है कि नेचुरल फीचर्स जो मैप कोई दिखाता हो, यानी प्राकृतिक विशेषताएं अर्थ की दिखाता हो, तो उसे फिजिकल मैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको एक और नाम है फिजिकल मैप का ही, रिलीफ मैप भी कह देते हैं इसे, ठीक है। रिलीफ मानचित्र जो भी है, तो फिजिकल मैप का मतलब ये होता है, ठीक है। इसको फिजिकल को कहते हैं हिंदी में भौतिक मानचित्र, ठीक है, अगर हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो तो।
इसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और इसका मीनिंग समझा देती हूँ। फिजिकल मैप क्या होता है, पहली बार तो अपने याद रखने के रिलीफ मैप भी कहते हैं इसे। और जो भी हमारी हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो प्राकृतिक विशेषताओं को मैप दिखाता हो उसे फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र, माउंटेन, रिवर्स, डेजर्ट हम कह सकते होते हैं, प्लेट्यू भी इसमें आ जाएगा, है ना, जैसे पठार कहते हैं ना। तो ये सारे प्राकृतिक चीजें हैं, तो इन सबको जो मैप शो करता है उसे फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला टाइप करेंगे मैप्स का। ये हो गया हमारा फर्स्ट फिजिकल मैप। अब हम लोग करेंगे पॉलिटिकल मैप की बात। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, राजनीतिक या राजनीतिक। तो अगर आपने किसी ने जैसे पढ़ी तो थी सबने, अगर हम टेंथ तक की बात करें तो वहां हमारी जो होती है पॉलिटिकल तो सबके पास ही होती है ना टेंथ तक। तो उसमें क्या होता है कि आपने बुक में देखा होगा, हाँ, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते होते तो साथ में उन्होंने मैप ड्रॉ किया होता था। तो फिजिकल मैप में क्या दिखाया जाता अगर आपको याद हो तो, जैसे फिजिकल मैप में कंट्रीज के बारे में दिखाया गया होता है, और हो सकता है उसके बारे में कंट्रीज के बारे में होता है, सिटीज के बारे में होता है, टाउन्स के बारे में होता है, विलेजेस के बारे में भी हो जाता है, दो देशों की सीमाएं जो होती हैं बाउंड्रीज उनको भी दिखाया गया होता है। जैसे इंडिया का मैप, ये पॉलिटिकल मैप हो जाएगा, जो इंडिया का मैप में जैसे दिखाते नहीं है कि ये हमारे राज्यों वाला मैप बना होता है ना, कि ये हमारे 29 राज्यों किस तरह से, 28 राज्यों किस तरह से शो किया गया होता है ना। और अभी कभी इस तरह से भी एक मैप दे दिया जाता है कि हमारे भारत की सीमाएं कौन कौन से देशों से मिलती हैं, तो वैसे भी एक मैप जो है वो ड्रॉप करके बताया गया होता है। तो ऐसे मैप जो किसी भी राज्य के बारे में, किसी टाउन सिटी के बारे में बताते हैं, उन्हें पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मैप कहते हैं। आप नोट कर लीजिए इसमें क्या क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही आसान है, जैसे सिटी हो जाएगा, है ना, टाउन हो जाएगा, कोई विलेज यानी कोई गांव हो जाएगा, गांव शहर वगैरह, है ना, कोई कंट्री यानी कोई अपना देश हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है कोई भी। ठीक है, कोई भी दो देशों की जो सीमा रेखाओं को बताता हो तो वो भी पॉलिटिकल मैप में ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे अगले मैप की बात। अब हम लोग नेक्स्ट मैप की बात करेंगे। ये तो हो गया पॉलिटिकल, देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैप आता है, ठीक है, हमारे हम यहाँ पर तीन टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने किया फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, अब हम लोग अगले उसकी बात करेंगे थीमैटिक। थीमैटिक मैप क्या होता है अब, ठीक है, अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मैप होते हैं जो किसी एक ही चीज को दिखाते होते हैं, स्पेशली किसी एक फीचर को दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज को दिखाते हैं, ठीक है, विशेष चीज को, उन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा भी कुछ रोड मैप होते हैं जिसमें मतलब रोड के बारे में ही बताया गया होता है सिंपली उस पे, है ना, कुछ रेनफॉल बारिश के उसके बारे में जो है वो मैप बनाए गए होते हैं, उसमें रेनफॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, कुछ पे सिर्फ रोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, कुछ इंडस्ट्रीज मैप भी होते हैं जिसमें सिर्फ जो हमारी उद्योग है उनके बारे में ही बताया गया होता है, कुछ फॉरेस्ट मैप होते हैं। ठीक है, मतलब जो किसी स्पेशल चीज के बारे में, स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हूँ, ठीक है, उनको कहते हैं थीमैटिक मैप। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मैप्स के टाइप। अब हम लोग करेंगे इसके कंपोनेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कंपोनेंट्स के बारे में जानना, यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही है इसमें। ठीक है, तो कंपोनेंट, कंपोनेंट को हिंदी में कहते हैं घटक। ठीक है, घटक कहते हैं ना। तो हमारे मैप के तीन मेनली जो कंपोनेंट अगर मैं बताऊं तो, ठीक है, जैसे इसमें पहले आ जाता है डिस्टेंस, देन डायरेक्शन, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं, ठीक है, दूरी, डायरेक्शन को दिशा, देन थर्ड जो हमारा है सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स को कहते हैं प्रतीक। मेनली ये अपने तीन कंपोनेंट होते हैं मैप के। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है एक मैप के लिए। तो अभी मैप का तो आपको मीनिंग पता ही है, जो कि एक बड़े से एरिया को छोटे से एक टुकड़े पे, किसी कागज के टुकड़े पे, किसी दीवार पे मतलब ड्रॉ करना, ठीक है, वो होता है मैप।
अभी देखो मैप में डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हमें मैप में डिस्टेंस को इस तरह से शो करना होता है, दो स्थानों की दूरी को इस तरह से मेंटेन करके वहां मैप पे बनाना होता है कि इनकी जो रियल दूरी है वो उसमें गड़बड़ ना हो जाए बिल्कुल, है ना। जैसे मान लीजिए ये है आपका होम है, ठीक है, ये है आपका स्कूल है, ठीक है, और आपका घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो मैप पे आप पूरा 10 किलोमीटर थोड़ी ना बना देंगे इतने छोटे मैप पे, तो 10 किलोमीटर को एक स्केल के द्वारा जो है वो दिखाया जाता है मैप पे, ठीक है। आपका घर स्कूल से जो है 10 किलोमीटर दूर है, पर मैप पे 10 किलोमीटर नहीं दिखाएंगे, हम एक स्केल का यूज करेंगे मैप के लिए, फिर उसको 10 किलोमीटर को एक स्केल लेकर मैप पे दिखाया जाएगा। जैसे मैप पे क्या कर देंगे, 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दिखा देंगे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर में। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर के लिए यूज किया, 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के लिए यूज किया, मतलब एक स्केल रख लिया कि 1 सेंटीमीटर में हम 5 किलोमीटर मैप पे दिखा देंगे, तो वहां स्केल लिख दिया जाता है, ठीक है, कि अभी स्कूल के आपके घर स्कूल के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, और 2 सेंटीमीटर लिखने का मतलब है कि 10 किलोमीटर को मैप के लिए इस तरह से शो कर दिया गया होता है। तो ये होता है हमारा स्केल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्केल मैप एंड बिग स्केल मैप, ठीक है। तो अभी आपने देखा बड़ी बड़ी कुछ जो एरियाज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट, मतलब जो हमारे महाद्वीप होते हैं, है ना, कॉन्टिनेंट को महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स हो गए या फिर कंट्रीज हो गई, ठीक है, मतलब किसी भी देश को, ये बड़े बड़े एरियाज हैं, है ना, बहुत कॉन्टिनेंट कोई छोटी जगह तो है नहीं, और कंट्रीज भी किसी भी कंट्री की बात करें तो ये बड़े बड़े एरिया को जब मैप पे शो करना है तो हमें छोटा स्केल यूज करना होता है यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल स्केल मैप यूज किया जाता है इसके लिए, स्मॉल स्केल मैप। क्योंकि अगर आप देखो कि इतने बड़े एरिया को अगर हमने इतने छोटे से टुकड़े पे दिखाना है, है ना, किसी कागज के, तो हम यहाँ पर छोटा ही स्केल लेंगे ना, जितना हमसे पॉसिबल हो सके, क्योंकि इतने बड़े एरिया, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स को इतने सी ही जगह पर दिखाना है हमने, तो जो है हमें 7 कॉन्टिनेंट्स को दिखाना है इतनी सी, सॉरी, है ना, हमने अब जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स है उनको दिखाना है इतनी सी, मतलब जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए उनको इतनी सी छोटी सी जगह पर दिखाने के लिए हमें, हम ये नहीं है कि इसके लिए हम बड़ा सा कोई स्केल ले लें, मतलब मैं यहाँ सिर्फ मैं 5 सेंटीमीटर का स्केल ले लूं, है ना, अगर मैं ऐसा कहूँ कहीं मैं 1 किलोमीटर का ऐसा कुछ नोट करने के लिए इतना बड़ा स्केल ले लूं, तो इतने बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं उनको मैप पे बनाने के लिए स्मॉल स्केल लिया जाता है, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब 5000 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर में यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जगहों के मैप बनाने के लिए हमें स्मॉल स्केल लेना पड़ता है, क्योंकि बड़ी जगह को किसी छोटी जगह पे दिखाने के लिए हमें स्केल भी छोटा ही करना पड़ेगा। बड़ा स्केल ले लेंगे तो बड़ी जगह को इतनी छोटी जगह में दिखाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो बड़ी एरियाज होते हैं उनको दिखाने के लिए मैप पे छोटा स्केल लेना पड़ेगा, तभी वो इतनी छोटी जगह में फिट हो पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिग स्केल की, ठीक है। बिग स्केल मैप क्या होते हैं, बिग स्केल मैप जो इसके अपोजिट ही होते हैं बिल्कुल, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको, बिग स्केल इनको बड़ा मतलब कि मैप बोलते हैं, ठीक है। बिग स्केल मैप जो है, जैसे जो छोटे एरियाज होते हैं ना, जैसे उसके अपोजिट है, वहां पर क्या था, स्मॉल स्केल मैप में क्या था कि बड़े एरिया को छोटी जगह में शो करने के लिए हमें छोटा स्केल जो है वो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी जगह को हमने मैप पे शो करना है तो हमें बड़ा स्केल लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैंने जो है मतलब कि मान लीजिए अपने विलेज का एक मैप बनाना है, ना विलेज कितने बड़े होते हैं, एक कंट्री जितने बड़े तो नहीं ना होते, छोटे छोटे होते हैं विलेज गांव, तो अगर मैंने किसी गांव को दिखाना है तो अगर मतलब इतनी सी जगह में मैंने सिर्फ एक गांव को दिखाना है तो मुझे यहाँ एक बड़ा स्केल लेना पड़ेगा ना, अगर मैं छोटा सा स्केल लूंगी तो गांव इतनी सी जगह में ही शो हो जाएगा मेरा, है ना, और डिटेल भी नहीं मुझे ज्यादा मिल पाएगी इसके बारे में अगर छोटा सा ही बिल्कुल बना दूंगी। तो कहने का मतलब है कि छोटे एरियाज को दिखाने के लिए बड़ा स्केल लेना पड़ता है ताकि पूरे एरिया में ये समा जाए, ठीक है।
छोटे एरिया को मैप पे दिखाने के लिए बड़ा स्केल लेना पड़ता है, ठीक है। और बड़े स्केल से क्या होता है कि हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। बड़े स्केल लेने से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जितने कि छोटे स्केल वाले मैप में नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसे चीजें हो जाती है ना, मतलब कि बहुत ही पास पास में ऐसे दिखानी पड़ेंगी आपको। अगर मान लो मैप बनाया है छोटे स्केल का, बिल्कुल पास पास में, बड़े अगर बड़ा स्केल लिया है मैंने तो मैं ऐसे दूर दूर भी दिखा सकती हूँ, तो मुझे क्लियरिटी हो जाएगी चीजों की बिल्कुल ही, ठीक है। तो क्या होता है कि छोटी जगहों को मैप पे दिखाने के लिए हमें बड़ा स्केल लेना होता है। तो ये तो होगी हमारी डिस्टेंस की बात, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला कंपोनेंट। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है, दिशा की। कि दिशा की एक मैप में क्या जरूरत होती है, ठीक है। मेन जरूरत तो जो है मतलब कि दिशा की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक मैप में, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम मैप यूज करते हैं ना किसी भी जगह की डायरेक्शन पता करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो, जैसे आप अभी तो गूगल मैप्स यूज करते हैं, वो भी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं ना। अगर आपको किसी जगह का पता ही नहीं है, मान लो आप अभी आप मान लो कि आप रॉक गार्डन जा रहे हो, है ना, आपको पता नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में रॉक गार्डन, तो आप गूगल मैप का यूज कर लेते हो। तो वही है ना कि डायरेक्शन तो मैप का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर गूगल मैप नहीं यूज करते तो यहाँ चंडीगढ़ में जगह जगह पे जो हमारे ये लगे हुए हैं मैप चंडीगढ़ के, तो वहां डायरेक्शन दिखाई गई है कि इस साइड को रॉक गार्डन पड़ेगा, इधर लेक पड़ेगी। तो पूरा डायरेक्शन का बहुत मेन रोल है इसमें, ठीक है। अभी जैसे अगर कोई भी मैप बना होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये जो राइट साइड होती है ना, ये जो राइट साइड होती है, यहाँ पर एन लिखा होता है राइट साइड में, कहीं पर भी ऐसे एक एरो सा बनाया होता है ऐसे, और वहां पर एन लिख देते हैं किसी भी मैप पे, ठीक है। राइट साइड में ऐसा एरो सा लगा के एन लिख देते हैं, इसका मतलब होता है नॉर्थ। अगर आपको एक डायरेक्शन पता है तो आप बाकी सारी डायरेक्शन तो खुद निकाल सकते हो, तो इसलिए मैप पर सुविधा के लिए एक डायरेक्शन बता दी गई होती है। अभी देखो, अगर आपको नॉर्थ पता है ना, ये नॉर्थ है, तो बाकी डायरेक्शन निकाल लोगे। नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, और यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ ईस्ट हो जाएगा। बस इस तरह से मैप डायरेक्शन में आपकी पूरी मदद करते होते हैं। बाकी और भी छोटी छोटी जगहों की डायरेक्शन पूरी वहां लिख दी गई होती है, इवन वो भी लिख दिया गया कि कौन से स्थान कितने किलोमीटर दूर है, सारा वहां दिखा दिया होता है। और बाकी एक और डायरेक्शन पता करने का तरीका है, वो है कंपस, ठीक है। कंपस यूज कर सकते हैं अगर जो है, ठीक है। कंपस जो है वो नॉर्थ एंड साउथ, ये दो ही डायरेक्शन दिखाती है ऐसे, दो पता चल गई तो वेस्ट और ईस्ट तो खुद ही पता लग ही जाएगी, ठीक है। तो ये है डायरेक्शन का, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट हुआ डायरेक्शन। अब हम लोग इसके तीसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, सिंबल्स। सिंबल्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक मैप पे, और सिंबल्स का जो सबसे अच्छा एडवांटेज है, फायदा है, कि अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो सिंबल देख के ही पहचान जाता है कि आगे क्या। जैसे अगर आपने देखा होगा कहीं, अगर मेन रोड पे जा रहे होते हैं ना, तो कहीं आगे स्कूल होता है तो वहां लिख दिया गया होता है ऐसे, स्कूल जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वैसे एक साइन बना दिया गया होता है, तो देख के पता चल जाता है। अगर किसी को नहीं भी पढ़ना आता, देख वो सिंबल देख के, प्रतीक देख के ही उसको बोल देगा कि हाँ आगे स्कूल है ना। तो ये सबसे बड़ा इसके एडवांटेज है कि अनपढ़ लोगों के लिए सिंबल बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। और भी जैसे पेट्रोल पंप का सिंबल होता है, वो बना दिया गया होता है नॉर्मली, है ना, तो वैसे ही मैप पे इस तरह के सिंबल्स जो है वो बना दिए गए होते हैं, ठीक है, प्रतीक। तो ऐसे पर जैसे अभी है, मतलब मैं चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, है ना, बहुत सारी यहाँ बिल्डिंग्स है ना, और आसपास में जितने भी रोड है, ब्रिज वगैरह होंगे, है ना, सबको मैप पे दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटे मैप पे सब चीजें पूरी बना के ड्रॉ करके दिखाना कि ये देखो ये ब्रिज है, यहाँ रोड है, ये रोड है, मुश्किल हो जाएगा, है ना, कि आगे स्कूल है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ गुरुद्वारा है, मस्जिद है, सबको मैप पे बनाना मुश्किल है। इसलिए इनको क्या करते हैं, सिंबल्स को कुछ जैसे लेटर्स के सिंबल यूज कर लेते हैं दिखाने के लिए, ठीक है, लेटर्स हो जाएंगी, कुछ शेडोज मतलब छाया किसी चीज की वो यूज कर लेते हैं ये, ठीक है, कुछ कलर से बता देते हैं, ठीक है, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, सिंबल्स, इन सबको सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल करके मैप पे दिखा दिया गया होता है, किसी भी जगह को दिखाना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कलर्स का कैसे कैसे बताया होता है उन्होंने। आपने मैप देखा होगा तो उसमें बड़े सिंबल बने होंगे, जैसे अगर कहीं ये है ऐसे प्लस का साइन बना होता है ना, तो गिरजाघर का साइन होता है, तो ऐसे गुरुद्वारे का बना होता है, मंदिर और गुरुद्वारे का, इस तरह से एक मंदिर सा बना होता है। मंदिर तो देखिए मुझे बनाना नहीं आता है, पर ऐसे मंदिर का ऐसा साइन नहीं होता है, बिल्कुल मंदिर जैसा बना, वैसे से कुछ होता है, ऐसा होता है। अगर
मैप पे जैसे पेड़ है कहीं आगे है ना, तो पूरा ऐसे पेड़ की तरह बना दिया गया होता है, ऐसे पेड़ और घास है कहीं तो इस तरह से घास का सिंबल बना दिया गया होता है मैप पे, है ना। और अगर आगे लिख ऐसे बना ना ऐसे, इसका मतलब है कि आगे पक्का रोड चल रहा है, मतलब कच्ची सड़कें नहीं है। अगर कच्ची सड़कें आगे तो ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे डॉट डॉट, इसका मतलब कि आगे कच्ची सड़क है, ठीक है। और जैसे और मैं आपको सिंबल बताती हूँ, अगर आगे पोस्ट ऑफिस है तो उसके लिए पीओ लिख देते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है पीटीओ, इसका मतलब है पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस। कहीं टीएस साइन होता है, यानी पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे साइंस जो अगर आप इस तरह से देखें मैप, तो वहां सिंबल्स बहुत सारे वहां बने हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कलर्स का बताती हूँ, जहां से मैंने प्रीवियस ईयर में जो है कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, जो जहां से आए हुए हैं। जैसे पूछ लेते हैं वो ब्लू कलर किस चीज के लिए यूज होता है मैप पे, ठीक है। ग्रीन कलर क्या शो करने के लिए यूज होता है, येलो कलर क्या, येलो कलर से क्या शो किया जाता है, एंड एक आता है ब्राउन, ब्राउन कलर से क्या शो किया जाता है, ब्लू कलर से शो किया जाता है वाटर बॉडीज, ठीक है। वाटर बॉडीज मतलब पानी की जितनी भी चीजें होती है, कोई रिवर हो कुछ भी हो आगे हो, तो वाटर बॉडीज ऐसे, जैसे अगर हम मैप पे देखें तो रिवर का ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीला कलर भर देते हैं इसमें ब्लू कलर, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज के लिए होता है। ग्रीन होता है प्लेन्स के लिए, मतलब जो मैदान होते हैं हरे हरे ना मैदान, उनके लिए होता है। येलो जो होता है वो होता है प्लेट्यू के लिए, मतलब जो पठार होते हैं ना अपने पठार, उनको दिखाने के लिए। और ये ब्राउन है, ये होता है माउंटेन्स के लिए, मतलब जो पहाड़ वगैरह है ना, तो उसको शो करने के लिए ये ब्राउन कलर होता है, ठीक है। ये आपने जरूर याद रखना है, ब्लू वाटर बॉडीज के लिए पानी वगैरह की, उसके लिए ग्रीन जो हमारे हरे हरे मैदान है, येलो कलर प्लेट्यू पठार के लिए होता है, और ब्राउन होता है माउंटेन्स के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा इस चैप्टर में एक दो चीजें और रह गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें स्केच की भी बात होती है कि स्केच क्या होता है, स्केच को बोलते हैं रेखा चित्र, ठीक है। स्केच इसे हिंदी में रेखा चित्र कहते हैं। स्केच क्या होता है, स्केच एक ड्राइंग होती है, ठीक है, मतलब एक जैसे आरेखण बोलते हैं हिंदी में, आरेखण स्केच, ठीक है, ड्राइंग होती है। इसमें क्या होता है कि किसी स्केल की जरूरत नहीं होती है, कोई स्केल यूज नहीं किया जाता है इसमें, ये मेमोरी पे बेस्ड होती है, ठीक है, याददाश्त पे। मैं बताती हूँ आपको डिटेल में, मेमोरी पे आपको याद रखना है, स्केच में एक जस्ट एक ड्राइंग होती है, ये किसी भी मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है, ठीक है, याददाश्त पर आधारित एक आरेखण होता है किसी भी जगह का, कोई स्केल यूज नहीं किया जाता है इसमें। मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, है ना, उसने आपको बोला है कि मेरे घर आ जाना, चलो कोई पार्टी वगैरह करते हैं, मेरे घर आ जाना, तो वो आपको आपके आपने बुलाया मतलब अपने किसी दोस्त को, है ना, कि मेरे घर आ जाना, बट उसको आपके घर का रास्ता नहीं पता, तो आपको क्या, आप उसको कैसे बताओगे, आप उसको एक सिंपल सा कुछ ड्रॉ करके दे दोगे मैप, है ना, कि ऐसे ऐसे आना, जैसे मतलब ये मेमोरी बेस्ड ही, अब आपको जो याद होगा उसी पे तो आप बता दोगे ना, ऐसे मेरे घर आना। जैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आप तुझे एक गिरजाघर मिलेगा, वहां से ऐसे मुड़ जाना, ठीक है, वहां पर तुझे यहाँ एक अस्पताल वगैरह मिल जाएगा, ऐसा बोल लगा ना, फिर वहां से इस तरफ को मुड़ जाना, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी, वहां से ऐसे मुड़ जाना, यहाँ मेरा घर रहेगा, मतलब याददाश्त पर आधारित एक ड्रॉइंग इसी तो बनाती है ये, है ना। इसे कहते हैं स्केच, कोई स्केल नहीं यूज किया गया इसमें, ये पूरी डिस्टेंस दिखाने के लिए कोई स्केल यूज नहीं किया गया, नॉर्मली जस्ट एक उसको मेमोरी था उसके दिमाग में कि मैंने अपने दोस्त को बताना है कि तुम मेरे घर कैसे आना है, जस्ट एक सिंपल सा बना दिया उसने, कोई स्केल नहीं यूज किया कुछ नहीं, तो इसे कहते हैं स्केच, ठीक है। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, प्लान भी होता है एक, जैसे खाका कहते हैं, खाका हिंदी में, खाका क्या होता है, ये भी ये क्या होती है कि मैं लिख देती हूँ, इट इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ बिग स्केल मैप। कहने का मतलब है जो खाका होता है वो भी एक ड्राइंग होती है, मतलब एक छोटे से एरिया का एक बड़े से
मतलब स्केल के द्वारा यूज करके ड्राइंग बनाई गई होती है, उसे कहते हैं खाका। जैसे मान लीजिए अभी जैसे जो बिग स्केल मैप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे गांव वगैरह का बनाना होता है ना, जिसमें हम किसी छोटी जगह जैसे गांव टाउन्स वगैरह सिटीज होगी छोटी जगह को मैप पे शो किया था, तो बड़े स्केल के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम किसी छोटी सी जगह को इसमें शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आपको बताया नहीं गया होता। जैसे आपको कभी कभी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, जैसे आपको आपका स्कूल का मैप बना हुआ है तो आपको उसमें पता होता है ना कि ये वाला रूम इतना सेंटीमीटर है, ये वाला रूम का इतनी लंबाई है, या ये रास्ता इतने से इतना है, तो वो जानकारी आपको जो है बिग स्केल वाले मैप पे नहीं मिलेगी क्योंकि सिटीज का भी दिखाना है ना पूरा। मान लो शहर का मैप बना रहे, पूरे शहर के मैप में दिखाएंगे, अभी तो थोड़ी दिखाएंगे कि आप स्कूल के कमरे कितने सेंटीमीटर है, तो वो उसके लिए ये खाका तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको स्कूल का खाका तैयार कर लेंगे, बता देंगे कि ये वाला रूम है, एक ये रूम है, ये रास्ता है, यहाँ रूम है, वो इतना से इतना सेंटीमीटर है, ये इतना हुआ है, तो इसे कहते हैं खाका। ड्राइंग होती है ना छोटे से एरिया को बड़े स्केल पे शो करना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो मानचित्र है, ये वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसमें इम्पोर्टेंट है हमारे कंपोनेंट्स जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो हमारा इसका एक चैप्टर रह गया वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।